जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और दोस्तों आज मैं बता दूं आप लोग को, मैं हूं अभी फिलहाल सागन रेलवे स्टेशन पे, और आज सागन रेलवे स्टेशन से आप मेरे पीछे जो लोकोमोटिव जो देख रहे हो। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि यानी 29 तारीख यानी 29 जनवरी को जो सागंज आजमगढ़ का जो सेक्शन जो बचा था, उस सेक्शन के बीच इसका CRS का डेट मतलब 29 तारीख को रखा गया था। और जैसे ही हम लोग को ये मतलब बात पता चला, हम लोग 29 तारीख का जो वेट किए, और आज है 29 तारीख, और हम लोग ने अपने घर से जल्दी जल्दी मतलब मैं तैयार होकर और ताप्ती गंगा एक्सप्रेस को बोर्ड किया हूँ और आप लोगों को ये CRS की वीडियो दिखाने के लिए। और मैं आप लोग को बता दूँ कि थोड़ी सी मैं आप लोग को पूरी फुल डिटेल बताना चाहता हूँ। और अभी मैं हूँ बोर्ड में ताप्ती गंगा एक्सप्रेस, और अभी हम एक छोटे से एक स्टेशन को स्किप कर रहे हैं। वो जो स्टेशन है वो आपका सठियाँ और रेलवे स्टेशन है। चलिए आप लोग पहले थोड़ा सा एक स्टेशन को ये स्किप देख लीजिए, फिर मैं आप लोग को बताता हूँ ये कैसे CRS और क्या कहाँ कहाँ क्या कुछ हुआ है। आप लोग बस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, आप लोग को हर एक चीज़ की जो मैं अपडेट है वो सब कुछ मैं दूंगा। आप लोग अगर वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा, अगर बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम लोग की जो ताप्ती गंगा एक्सप्रेस थी वो अब आजमगढ़ पहुँच कर वो अब निकल गई थी सागंज की तरफ, और जैसे कि हम लोग फरिया रेलवे स्टेशन पे पहुँचे तब तक हम लोग को पता चला कि फरिया के आगे जो सरायमीर जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे जो CRS जो इन्फेक्शन है वहाँ पे SSB को चेक किया जा रहा था। और ठीक हम लोग फरिया रेलवे स्टेशन पे जो ताप्ती गंगा एक्सप्रेस था हम लोग का, उसे रेड सिग्नल देकर रोक दिया गया था। और जैसे ही रेड सिग्नल देकर हम लोग की जब ट्रेन धीरे हुई तो हम लोग बगल में मतलब गेट पर आकर देखे तो जो OHE निरीक्षण यान है वो मतलब लूप लाइन की जो OHE है उसे निरीक्षण कर रहा था। और बहुत सारे मतलब जो इसमें जो वर्कर थे वो मतलब उतर कर बहुत सारी चीज़ जो OHE है उस पर चढ़कर सब कुछ मतलब एक नापते वगैरह थे। और चलिए फिलहाल आप लोग उस सब चीज़ को मैं दिखाता हूँ। और फिलहाल दोस्तों अब हम लोग ट्रेन से नीचे उतर गए हैं, और आप सामने देख सकते हैं कि जो वर्कर हैं वो OHE को किस तरह मतलब अपना कुछ जांच वगैरह कुछ कर रहे होंगे। अब उन सब चीज़ों के बारे में तो हम लोगों को ज़्यादा कुछ पता नहीं है। और बाकी आप जिस तरह आप देख सकते हैं हम लोग जो ट्रेन है वो रेड सिग्नल पर अभी भी खड़ी है, और जो वर्कर हैं वो मतलब अपने कुछ सेंटीमीटर वगैरह कुछ तो नाप रहे होंगे लोग, ये सब लोग ज़रूर, और आप देख कर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसके आगे यानी सरायमीर रेलवे स्टेशन पे जो CRS स्पेशल जो ट्रेन है वो खड़ी है, और उससे पीछे यानी फरिया रेलवे स्टेशन पे जो OHE निरीक्षण यान है वहाँ पे ये लोग मतलब जो ऊपर की जो OHE है उसे मतलब OHE तार है उसे ये लोग निरीक्षण कर रहे हैं, मतलब कुछ भी ये लोग चेक वगैरह क्यों कुछ कर रहे होंगे ताकि आने वाले मतलब जब उधर से कोई स्पीड ट्रायल हो तो उसमें कोई दिक्कत वगैरह ना हो, इसलिए ये लोग ने सब कुछ अपना मतलब जांच वगैरह सब कुछ कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जैसे एक मतलब एक वर्कर जो है वो ऊपर चढ़कर जो OHE है मतलब उसे मतलब कुछ वगैरह नापेगा, और उसे जो एक कापी किताब हो वो उस पर मेंशन करेगा ताकि वो जो रिपोर्ट है वो आगे अपनी दिखा सके। और तब तक चलिए आप लोग देखिए फिर, अगर और आप लोग वीडियो में जरूर बने रहिए, आप लोगों को मैं सागंज तक लेके जाऊंगा। सागंज पे जो WP7 लोकोमोटिव है वहाँ पे उस ट्रेन को सजाया जाएगा, यानी उस लोकोमोटिव को सजाया जाएगा, वो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। और ठीक आपको सरायमीर रेलवे स्टेशन पे हम लोग की जो ताप्ती गंगा एक्सप्रेस है वो उसको ओवरटेक करेगी, यानी CRS स्पेशल ट्रेन को, और हम लोगों ने CRS स्पेशल ट्रेन को ओवरटेक करना शुरू कर चुके हैं सरायमीर रेलवे स्टेशन पे। और आप देख सकते हैं जिसमें इज्जत नगर का WDP4D लोकोमोटिव लगा है, ये जो हम लोग ने इसको ओवरटेक कर चुके हैं। और अब हम लोग मैं आप लोग को बता दूं कि अब हम लोग ये खुरासन रोड रेलवे स्टेशन में पहुंचने वाले हैं, जहाँ पे CRS यानी है इन्होंने का जो आप टेंट वगैरह जो देख रहे हैं, यहाँ पे CRS जो के जितने भी लोग हैं इनका लंच वगैरह सब कुछ खुरासन रोड रेलवे स्टेशन पर ही होगा। और जिस तरह आप देखे हैं पीछे है पूरा मैट वगैरह सब कुछ लगाकर जो स्टेशन है उसे वेल टेनमेंट किया गया है। अब मैं आप लोग को कुछ एक दो SSB आप लोग को मैं दिखा दे रहा हूँ जो इस सेक्शन के बीच पड़ने वाले हैं, और ये है सबसे पहला जो खुरासन रेलवे स्टेशन का SSP है, यहाँ पे अभी निरीक्षण नहीं हुआ है, और उधर से जो CRS स्पेशल ट्रेन है वो आएगा और यहाँ पे निरीक्षण किया जाएगा। अब मैं आपको सागंज रेलवे स्टेशन का SSP दिखा दे रहा हूँ,
बड़ा सा है। और सामने आप देख सकते हैं ये जो है ये आपका सागंज रेलवे स्टेशन का SSP है, यानी दीदारगंज रेलवे स्टेशन का या शायद होगा। और अब हम लोग पहुँच चुके हैं सागंज रेलवे स्टेशन पर, और ये जो आप लोकोमोटिव जो देख रहे हैं इसी लोकोमोटिव से आज CRS होने वाला है आजमगढ़ सागंज के बीच। और ये जो लोकोमोटिव है भाई, ये पुष्पुल लोकोमोटिव है वडोदरा सेट का। और मैं कहीं ना कहीं आप लोग को ज़रूर बता सकता हूँ कि ये जो लोकोमोटिव है वो ज़रूर अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस में ज़रूर लगी होगी, या तो फिर CR राजधानी में ज़रूर लगी होगी, जो वडोदरा सेट का 30588 है। और आप सामने देख सकते हैं जो पुष्पुल लोकोमोटिव से युक्त है ये लोकोमोटिव, और ये जो लोकोमोटिव है CR राजधानी में ज़रूर प्रयोग किया गया होगा, क्योंकि ये जो सामने आप देख रहे हैं पुष्पुल लोकोमोटिव और ये वडोदरा सेट का लोकोमोटिव है। अभी हम लोग क्या है कि थोड़ा पहले आ चुके हैं, अब जल्द ही इसे मतलब जो ये लोकोमोटिव इसे सजाया जाएगा और फिर आप लोग देखिएगा ये लोकोमोटिव कैसा लगेगा। और कुछ ऐसा है सागंज रेलवे स्टेशन का, सामने आप प्लेटफॉर्म संख्या 2 पे देख सकते हैं ताप्ती गंगा एक्सप्रेस खड़ी है, और ठीक हम लोग प्लेटफॉर्म संख्या 3 के बगल के लूप लाइन पर लगी है ये आपका लोकोमोटिव। और यहाँ पे सजावट की जो काम है वो स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं जो माली वगैरह हैं जो फूल वगैरह लाकर लोकोमोटिव को सजाना का जो काम है वो अभी स्टार्ट कर चुके हैं। और भाई जो मतलब फूल वगैरह जो लोग लगा रहे हैं उन लोग से हम लोग से बात भी हुई, और काफ़ी पीछे जो गोदान एक्सप्रेस अभी आने वाली है उसके लोग उसके मतलब जो क्रू हैं वो भी मतलब देख रहे हैं इस ट्रेन को, मतलब जो लोकोमोटिव उसको देख रहे हैं। और ये मतलब पूरा लोगों को सजाया जा रहा है, और लोगों कैसा आप लोग को लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हालांकि मैं बता दूं हम लोग का जो सेक्शन है यानी औरियार और मऊ के बीच जब स्पीड ट्रायल हुआ था मतलब लोगों ट्रायल हुआ था तो वो WB4 लोकोमोटिव से हुआ था, और इसका WB7 दोस्तों कैसे आप लोग। और दोस्तों आज मैं बता दूं आप लोग को, मैं हूं अभी फिलहाल सागंज रेलवे स्टेशन पे, और आज सागंज रेलवे स्टेशन से आप मेरे पीछे जो लोकोमोटिव जो देख रहे होंगे आज यही जो लोकोमोटिव है वो आज इसका CRS होगा, यानी सागंज से लेकर और आपका आजमगढ़ के बीच जो लोकोमोटिव उसका CRS होगा। और यहाँ पे बहुत सारे रेल फैन भी आए हैं, और आपको मैं एक एक करके सबको मैं मिलाता हूँ। और इधर आए, इधर आओ भाई, आप इसको जरूर जानते होंगे, ये आदिल भजन भाई साहब है और ये है आदिल। और आज आप लोग बने रहिए आज हम लोग, और इसमें ये भी भाई है, क्या नाम है भैया आपका? गौतम इनका नाम है। और आज हम लोग CRS देखें मतलब इसका डिपार्चर लेंगे, और हो सके तो देखते हैं परमिशन मिलती है तो हम लोग जो CRS जो इन्फेक्शन रहेगा उसमें हम लोग यात्रा भी करेंगे अपना मऊ तक। और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि मतलब घर से अर्जेंट कॉल आ गया, मतलब कुछ प्रॉब्लम हो जाने की वजह से मैं आप लोग को ये जो मैं बलिया से चलकर जो सागन से जो चलकर बलिया के बीच जो ये पैसेंजर जो ट्रेन चलती है इसे मैं बोर्ड कर लिया हैं, और मैं घर की तरफ जा रहा हूं, और मैं लोको ट्रायल आप लोग को नहीं दिखा पाया हूं। और सामने आप जो लोकोमोटिव जो देख रहे हैं यही लोकोमोटिव है, अभी 20 मिनटों में CRS स्पेशल ट्रेन आएगी उस ट्रेन में अटैच होगी, फिर ये जो लोको ट्रायल के लिए स्टार्ट होगी। और मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो बहुत आप लोग को अच्छा लगा होगा, और आप जिस तरह देख सकते हैं जो लोकोमोटिव बहुत ही अच्छा सज धज कर तैयार हो चुका है। और मैं आपको एक और चीज़ जो दिखा रहा हूँ, अब मैं आप लोग को अब आगे जो दिखाने वाला हूँ ये हम लोग का जो आगे स्टेशन जो पड़ने वाला है ये खुरासन, ये सरायमीर, ये खुरासन रोड रेलवे स्टेशन पहुँचने वाला है, जहाँ पे जो लोग CRS स्पेशल जो ट्रेन है अब यहाँ से ये डिपार्ट करेगी। और यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूँ पूरा लंच वगैरह का सारा यहाँ पे ही इंतजाम किया गया था। और सामने आप देख सकते हैं जो लोकोमोटिव है WDP-40 लोकोमोटिव है, और इससे पहले आप पीछे देखे होंगे तो वो आप सरायमीर रेलवे स्टेशन पे इस ट्रेन को देखे होंगे। और अभी जो आप CRS स्पेशल जो ट्रेन को जो देख रहे हैं ये खुरासन रोड रेलवे स्टेशन पे है, और मैं अभी आपको आगे दिखा रहा हूँ जहाँ पे टेंट वगैरह लगे हैं वहाँ पे आपको इसमें जितने भी इसमें मतलब जो लोग भी वर्कर थे और जो लोग भी मतलब स्टॉप वगैरह थे सारे लोग यहाँ पे मतलब मौजूद थे। और आप सामने जो टेंट वगैरह जो देख रहे हैं यहाँ पे सभी लोगों के लिए खान पान की व्यवस्था की गई थी पूर्वोत्तर रेलवे की तरफ से। और मैं आपको बता दूँ कि अब जो हम लोग की मतलब जो ट्रेन है वो खुरासन रोड रेलवे स्टेशन पर रुक चुकी है, और सामने आपको CRS स्पेशल जो ट्रेन दिख रहा होगा अब इसका जो डिपार्चर सिग्नल है वो आ चुका है। और हालांकि हम लोग थोड़ा सा आगे हैं इसलिए मैं आप लोग को जो इसका डिपार्चर है वो नहीं दिखा पा रहा हूँ, और बाकी आप सामने देख सकते हैं जितने वर्कर हैं सारे लोग CRS स्पेशल ट्रेन में बैठ चुके हैं। और ये जो CRS स्पेशल जो ट्रेन है वो अब रवाना होने के लिए तैयार है खुरासन रोड रेलवे स्टेशन से। और मैं आपको बता दूं कि खुरासन रोड रेलवे स्टेशन से ये CRS स्पेशल ट्रेन चलकर आपका सागंज रेलवे स्टेशन पे पहुंचेगा, और वहां पे ठीक 5 मिनट की स्टॉपेज के बाद मतलब जब लोको जब कपल हो जाएगी उसके बाद ये CRS स्पेशल ट्रेन
वहाँ से रवाना होगी और आजमगढ़ पहुँचेगी अपना लोको ट्रायल कर और बाकी आप चलिए इसका देखिए आप इसका डिपार्चर, और मैं मिलता हूँ आप लोगों से बहुत जल्द और किसी और नए वीडियो में और किसी और नए ट्रेन जर्नी में। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोग को अगर कुछ छूटा हो तो आप लिख कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।